से स्वागत है आपका अपने चैनल गुड न्यूज टुडे पर और मैं हूँ आपके साथ प्रीति चौहान। दिखाएंगे देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, लेकिन बेहद ही फटाफट अंदाज में, रफ्तार के साथ जीएनटी एक्सप्रेस में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा है। नए साल से ठीक पहले उत्तराखंड को एक साथ मिलेगी कई सौगात। उत्तराखंड के हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम, विकास की 23 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और लोकार्पण करेंगे। दोपहर 1 बजे हल्द्वानी में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। प्रधानमंत्री 17,500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। कई बड़ी सड़कों, मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 14,127 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, तो वहीं 3,420 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार का दावा है कि पानी, घर, सड़क, स्वास्थ्य, उद्योग और स्वच्छता से जुड़ी ये परियोजनाएं उत्तराखंड के विकास को रफ्तार देगी। 3 महीने में प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड में आज होगा 4वां दौरा। इसी महीने में दूसरी बार उत्तराखंड जा रहे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी आज रखेंगे उधम सिंह नगर जिले में एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला। 500 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। पिथौरागढ़ में जगजीवन राम मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास होगा आज। उत्तराखंड दौरे पर प्रधानमंत्री लखवाड़ू बहुउद्देश्य परियोजना का आधारशिला रखेंगे। 4 दशक से रुके प्रोजेक्ट को 5,750 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। लखवाड़ बहुउद्देश्य से परियोजना से तकरीबन 34,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई संभव हो पाएगी। 300 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाएगा। नए साल पर किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे बड़ी सौगात। किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर होगी 10वीं किश्त। 1 जनवरी साल 2022 को 10 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। यूपी चुनाव को लेकर फुल एक्शन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुरादाबाद, अलीगढ़, उन्नाव में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुरादाबाद में दोपहर 12 बजे, अलीगढ़ में दोपहर 2 बजे, उन्नाव में शाम के ठीक 4 बजे अमित शाह रैली करेंगे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी का 2 दिवसीय दौरा होगा। आज रामगढ़ ताल में बने यूपी के पहले वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पंजाब दौरा, चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के विजय मार्च की अगुवाई करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज करेंगी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ आम बजट को लेकर बैठक। राज्यों के वित्त मंत्रियों से बजट को लेकर मांग सकती है कोई सुझाव, एडवाइस। आज से महाराष्ट्र में शुरू होगी यूजी मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया। कोविड-19 की वजह से रुके हुए थे एडमिशंस। दिल्ली में थोक कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट्स बाजार जीएसटी बढ़ने के विरोध में बंद रहेंगे। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच केरल में भी सख्ती जारी कर दी गई है। राज्य सरकार ने आज से 4 दिनों के नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। वहीं 2 जनवरी तक रात में जारी रहेंगी ये पाबंदियां। तेजी से बढ़ते कोरोना के आंकड़ों से शुरू हुई है देश में तीसरी लहर की आहट। राज्य सरकारों ने लोगों को सतर्क रहने की नसीहत दी है। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर शशांक जोशी ने माना है कि मुंबई में शुरू हो गई है तीसरी लहर। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट को ठहराया इसका जिम्मेदार। मुंबई में एक दिन में 2 गुने हो गए कोरोना के मामले। 24 घंटे में सामने आए 2,510 नए मरीज। मुंबई में नए साल के जश्न की मनाही होगी। सार्वजनिक जगहों पर भीड़ भाड़ नहीं जुटाने के निर्देश दिए जाएंगे। मुंबई में 24 घंटे में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 33 नए मामले निकलकर सामने आए। देश के 21 राज्यों में 900 से ज्यादा मामलों की पहचान की गई है। दिल्ली में भी एक दिन में तकरीबन 2 गुने कोरोना के मामले हो गए। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 1% से ऊपर पहुंच गई। दिल्ली में अभी जारी है कोरोना का येलो अलर्ट। मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलने के कारण स्टेशन के बाहर लंबी कतार लगी। दिल्ली में कोरोना के चलते दुकानों के ऑड इवन नियम पर सख्त एक्शन लिया गया। पहले ही दिन 4 दुकानें सील कर गई, वहीं 180 दुकानों का चालान भी किया गया। राजस्थान में रात के 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू है। वहीं राजधानी जयपुर में एक दिन में कोरोना के 88 नए मरीज निकलकर सामने आए। केरल में भी रात के 10 बजे तक खत्म करना होगा नए साल का जश्न। गोवा में भी पाबंदियों का ऐलान किया गया है। क्लब और बार में 50% क्षमता के साथ नए साल का जश्न मनाने के निर्देश दिए गए। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 548 नए मामले। एक दिन में 19 मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि की गई।
पंजाब में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री है। स्पेन से लौटे शख्स में संक्रमण की पुष्टि की गई। कोरोना के खतरे के चलते राजनीतिक दलों में भी खलबली मची हुई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान आया सामने, बीजेपी वर्चुअल रैली के लिए तैयार है। अनिल कपूर की बेटी रिया कपूर और दामाद करण बलूनी को कोरोना हुआ, खुद को क्वारंटीन किया। यूपी के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी को बताया दलदल, कोरोना महामारी के दौरान विपक्षी नेताओं पर मढ़ा गायब रहने का आरोप। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को दी है 15 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात, खुद भी की नई बस की सवारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायबरेली में रैली, सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण किया। कानपुर मेट्रो के मोती झील स्टेशन पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का हंगामा, मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। कानपुर में प्रधानमंत्री की रैली के दौरान समाजवादी पार्टी के 5 नेताओं पर हिंसा की साजिश का आरोप है, पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता। अपनी ही कार में प्रधानमंत्री के पोस्टर लगाकर तोड़फोड़ करते दिखे एसपी कार्यकर्ता, 5 गिरफ्तार। पीलीभीत में देर रात जन विश्वास यात्रा लेकर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद, नाइट कर्फ्यू शुरू होने के बाद भी जारी रहा भाषण। कन्नौज में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के दौरान हंगामा मच गया, मंच पर आपस में ही भिड़े नेता। फिरोजाबाद में प्रियंका वाड्रा के कार्यक्रम के दौरान भड़की एक छात्रा, प्रियंका से नहीं मिलने दिया तो मंच पर चढ़कर लगाई आवाज। प्रियंका ने सुनी छात्रा की शिकायत, महिलाओं के लिए कांग्रेस का एजेंडा रखा सामने। फारुखाबाद में जनविश्वास यात्रा से शामिल हुए सीएम योगी, पीयूष जैन पर छापे को लेकर समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। योगी के वार पर अखिलेश का पलटवार आया सामने, बोले बीजेपी को सता रहा है हार का डर। पीयूष जैन के घर से बरामद होने का स्विट्जरलैंड कनेक्शन होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। वहीं डीआरआई ने कस्टम एक्ट के तहत दर्ज किया है मामला। 178 करोड़ कैश के अलावा पीयूष जैन के घर से जब्त हुआ है 23 किलो सोना। दुबई में बनी है ईंटों को स्विस कंपनियों के जरिए भारत में तस्करी करने का शक है। कानपुर में करोड़ों की काली कमाई में गिरफ्तार पीयूष जैन ने खटखटाया अदालत का दरवाजा, टैक्स काटकर सारा पैसा लौटाने की अपील। पंजाब में उम्मीदवारों के नाम पर कांग्रेस का मंथन जारी है, दिल्ली में हुई है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। पंजाब में सीटों के बंटवारे पर बीजेपी गठबंधन 2-3 दिन में करेगा फैसला, कैप्टन अमरिंदर के साथ मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव। उत्तराखंड में कोरोना के चलते चुनाव टालने की जनहित याचिका पर सुनवाई होगी, हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। धर्मगुरु कालीचरण महाराज के खिलाफ थाने में FIR दर्ज हुआ है, महात्मा गांधी पर विवादित बयान का वीडियो वायरल हुआ था। रायपुर में भी कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी पर की थी अभद्र टिप्पणी, गिरफ्तारी के लिए महाराष्ट्र और MP रवाना हुई पुलिस की टीम। यूपी में चुनाव आयोग के दौरे का तीसरा दिन, आज मुख्य सचिव और DGP के साथ होगी अहम बैठक। महिला पुलिसकर्मी के सूझबूझ से मची बुजुर्ग की जान, वहीं CCTV में कैद हुई तस्वीरें। मुंबई के शिवड़ी रेलवे स्टेशन को बताया जा रहा ये शिवड़ी का मामला है। अंतिम तारीख तकरीबन आने के साथ ही रिटर्न भरने की रफ्तार बढ़ गई है, 5 करोड़ से अधिक RTR दाखिल, आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर। जम्मू कश्मीर के DGP श्री दिलबाग सिंह ने मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले का औचक निरीक्षण किया, सशस्त्र पुलिस परिसर में जवानों को संबोधित भी किया। गरीब बच्चों के लिए खुला है नोएडा का चैलेंजर्स पाठशाला, अब हर उम्र के बच्चे ले सकते हैं दाखिला, पर्यावरण से प्यार संरक्षण सीखते हैं यहाँ बच्चे, वहीं साथ ही पाठशाला की मुहिम प्लास्टिक लाओ शिक्षा पाओ। दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, पंजाब से आई टीचर्स का हल्ला बोल। दिल्ली के कनॉट प्लेस में कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन, GST बढ़ाए जाने को लेकर नाराजगी। श्रीनगर में सड़क पर उतरे अपनी पार्टी के कार्यकर्ता, वहीं डिलिमिटेशन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू में PDP का विरोध प्रदर्शन, रियल स्टेट सम्मेलन को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। गोवा चुनाव के लिए TMC ने झोंकी अपनी पूरी ताकत, अभिषेक बैनर्जी ने रुद्रेश्वर मंदिर में पूजा पाठ की। आज मणिपुर में चुनावी हुंकार भरेंगे बीजेपी के नेता, बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा वहीं युवा रैली को संबोधित करेंगे।
नागालैंड के मोन में हुई हिंसा के मामले में शुरू एसआईटी का एक्शन, सेना के जवानों से आज शुरू होगी पूछताछ। मध्य प्रदेश के मंत्री ब्रजेंद्र यादव की बिगड़ी जुबान, वहीं कांग्रेस नेताओं की जानवरों से तुलना कर दी। आंदोलन के बाद खेती करते दिखे राकेश टिकैत, ट्रैक्टर चलाकर नकली किसान होने के आरोपों का जवाब दिया। लालू के बेटे तेज प्रताप पर चुनाव आयोग का एक्शन, संपत्ति का ब्यौरा छपाने के मामले में एफआईआर दर्ज। नैनीताल में हुई मौसम की पहली बर्फबारी, शून्य से नीचे पहुंचा तापमान। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जोरदार बर्फबारी हो रही है, बर्फ की परत जमने से मुगल रोड 3 महीने के लिए बंद किया गया। वहीं नए साल में उत्तर भारत में और बढ़ेगी ठिठुरन, मौसम विभाग ने जताया 5 दिनों तक शीतलहर चलने का अनुमान। जयपुर में सर्द हवाओं ने गिराया है पारा, नाहरगढ़ पार्क में जानवरों के लिए लगाए गए हीटर्स। राजस्थान के सवाई माधोपुर में लगातार गोते लगा रहा है पारा, सर्द हवाओं ने बढ़ाई मुश्किलें। दार्जिलिंग में 10 साल बाद जबरदस्त बर्फबारी, सैलानियों ने जमकर मस्ती की। उत्तराखंड के चमोली में एक बार फिर से हुई है बर्फबारी, पूरे इलाके में बिछी बर्फ की सफेद चादर। बर्फ की चादर में लिपटा उत्तराखंड का मशहूर स्कीइंग रिजॉर्ट औली, वहीं बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मुनस्यारी समेत ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी, जमा हुई आधे फिट मोटी बर्फ। टिहरी में भारत तिब्बत सीमा से सटे गांव में लोगों को मिली है सफेद सौगात, पूरे इलाके में बर्फ की जोरदार बरसात। मुंबई के वर्सोवा समुद्र तट पर एनसीसी कैडेट ने चलाया सफाई अभियान, अभिनेत्री आयशा जुल्फा भी शामिल हुई। तमिलनाडु पुलिस ने दी है नए साल की सौगात, चोरी के करीब 1500 मोबाइल फोन, 2.5 किलो सोने की ज्वेलरी, तकरीबन 200 गाड़ियां मालिकों को लौटाई। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू उत्सव की जोरों पर तैयारी हो रही है, बैलों को दी जा रही है खास ट्रेनिंग। विशाखापट्टनम से 21 जनवरी से चलेगी टूरिस्ट ट्रेन वाइब्रेंट गुजरात, साउथ के सैलानियों को कराएगी गुजरात के दर्शन। मुंबई में बांद्रा रिक्लेमेशन एरिया में खूबसूरत रोशनी से सजाया गया, नए साल के स्वागत के लिए यह सजावट की गई है। ICRA ने इसी साल और अगले साल देश की विकास दर को 9% रहने का अनुमान जताया है। ICRA की रिपोर्ट में 3 साल में कोरोना से 39 लाख करोड़ के नुकसान होने का आशंका। IPO मार्केट में नए साल में बड़ा बदलाव होगा, सेबी ने IPO के नियमों में बदलाव के बाद प्रमोटर्स के लिए पैसा निकालने की राह अब मुश्किल कर दी है। लाइट व्हीकल्स के मामले में भारत जर्मनी को पीछे छोड़ चुका है, वहीं दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार बन गया है, तो भारत से आगे तकलीफ केवल चीन और अमेरिका और जापान रह गए हैं। केंद्र सरकार ने ग्राहकों को सीधे सामान बेचने वाली कंपनियों के लिए लागू किए हैं नए नियम, पैरामिड और धन प्रसार योजनाओं को बढ़ावा देने से रोका गया। दुनिया के कई देशों में ओमिक्रॉन के चलते बाजार उत्पादन के अलावा हवाई उड़ानों पर भी इसका असर पड़ा है, उड़ान रद्द होने से नए साल के मौके पर दुनिया भर के सैलानी घूमने निकलते हैं। सेंचुरियन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका पर भारत ने बनाई मजबूत पकड़, वहीं जीत के लिए दिया 305 रनों का लक्ष्य। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में बनाए 94 रन, वहीं अभी 6 विकेट बाकी है। दूसरी पारी में भारत की पूरी टीम 174 रन पर ऑल आउट हो गई, ऋषभ पंत ने बनाए सबसे ज्यादा 34 रन। कप्तान कोहली के बल्ले से निकले 18 रन, केएल राहुल ने खेले 23 रन की पारी। दक्षिण अफ्रीका के रबाडा और जेनसन ने झटके 4-4 विकेट, एनगिडी के खाते में 2 भारतीय बल्लेबाज। पूरी दुनिया में फिर से कहर मचाने लगा कोरोना वायरस, अमेरिका में तकरीबन 1 दिन में 3,31,000 मरीजों के साथ अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर संक्रमण। ब्रिटेन में भी कोरोना ने मचाया कोहराम, 1 दिन में 1,68,000 मरीजों का रिकॉर्ड। उधर फ्रांस में भी कोरोना वायरस संक्रमण ने तोड़े पिछले सारे रिकॉर्ड्स, 1 दिन में 1,80,000 से ज्यादा मरीज। पूरी दुनिया में एक हफ्ते में 11% बढ़ गए कोरोना के मामले, WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरियंट इसका जिम्मेदार। स्पेन में कोरोना पाबंदियों के बीच लोगों ने मनाया है पारंपरिक उत्सव, एक दूसरे पर आटे और अंडे की बौछार की। एक ऐसी एकादशी